गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस द टू स्टैंजा विच वॉज लेफ्ट इन चैप्टर 8 द स्नेल एंड वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेंड मी दीज टू स्टैंजाज. एक्चुअली द बुक विच आई हैव बीन गिवन फ्रॉम द स्कूल, देर इज़ नो सच स्टैंजाज आर देयर, सो दैट्स व्हाई आई कंप्लीटेड माई चैप्टर विद 4 स्टैंजाज ओनली. But yesterday, a girl called me and gave me the snapshot of these 2 stanzas. So, I will be going to explain this 2 stanzas remaining of lesson 8, the snail. Okay? So, जहाँ तक आपको समझा दिया था, उसके बाद से आगे I will be explaining. Please pay attention to it. Thus, the hermit like his life he leads. तो पहले आपको जो समझाया था कि एक स्नेल है, उसके बॉडी में एक शेल है जो उसके बॉडी के साथ ही जन्मा और उसके बॉडी के साथ ही वो एट लास्ट तक रहता है. जब तक कि वो मर नहीं जाता तब तक भी रहता है, उसके मर जाने के बाद भी वो स्नेल का जो शेल है वो ऐसे खाली पड़ा रह जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे दस हर्मिट लाइक हिज लाइफ ही लीड्स नॉर पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड्स. यहाँ पे हर्मिट लाइफ, हर्मिट से मतलब हर्मिट इज़ उन लोगों को बोला जाता है जो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, जो हमेशा अकेले रहते हैं. जैसे कि सन्यासी लोग, वो लोग अपना घर बार छोड़ के एकदम अकेले एक अलग संसार उनका रहता है, वो किसी से दूसरे कांटेक्ट में नहीं रहते हैं. तो ऐसे सन्यासी जीवन को हम हर्मिट कहते हैं, हर्मिट लाइफ. तो यहाँ पे स्नेल को कंपेयर किया जा रहा है कि उसका जो लाइफ है एक सन्यासी के लाइफ के जैसा है. इट्स अ हर्मिट लाइफ हिज लाइफ ही लेड, वो जो अपना ज़िंदगी जीता है वो एकदम एक हर्मिट लाइफ के जैसे जीता है. जैसे एक सन्यासी अकेला रहता है, अकेला खाना बनाता है, अकेला खाना खाता है, अकेला सोता है, अकेला उठता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये स्नेल भी जो है ये इसका पूरा ज़िंदगी शुरू से लेकर आखिरी तक वो अकेला ही रहता है. नॉर पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड्स, बैंक्वेट से मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम खाना खाते हैं या हम जहाँ पे अपना आहार लेते हैं, ऐसे जगह को हम बैंक्वेट कहते हैं. जैसे हम मान लो किसी शादी बाड़ी में गए तो वहाँ पे बैंक्वेट हॉल रहता है, वहाँ पे सब लोग खाने पीने का अरेंजमेंट रहता है, वहाँ पे सब लोग खाना पीना करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और फिर आ जाते हैं. तो यहाँ पे बैंक्वेट से मतलब ऐसी जगह जहाँ पे वो खाना खाता है. तो नॉर पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड्स, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्नेल है जब वो अपना आहार लेता है या जब वो अपना खाना खा रहा होता है तब उसे किसी और पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बिना किसी पार्टनर के अकेले ही अपना वो आहार या अपना जो भी फूड वो लेना है वो लेता है. एंड इफ़ ही मीट्स वन ओनली फीड्स द फास्टर, और अगर मान लो उसके आसपास कोई नया आ भी जाता है जब वो खाना खा रहा होता है या खाना खाने के दौरान या उससे पहले, तो वो झटपट अपना खाना ख़त्म कर देता है जिससे कि किसी और के साथ उसे वो शेयर ना करना पड़े. तो इस तरीके से उसका स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक कोई पार्टनर नहीं रहता है, उसका लाइफ वो अकेले स्पेंड करता है शुरुआत से लेकर आखिरी तक. जब वो अपना आहार भी ग्रहण कर रहा होता है, जैसे शाम के समय हम जब अपना मान लो कुछ स्नैक्स वैक्स खा रहे हैं तो कोई दोस्त आ गया तो हम उसे शेयर करते हैं, लेकिन स्नेल एक ऐसा जानवर है जो अपना आहार भी अगर शेयर करना होता है ऐसे टाइम पर वो खाना खाता है. मान लो उस टाइम पर कोई आ भी गया तो वो शेयर नहीं करता है किसी से, वो अपना पूरा अपना खुद फटाफट खा के ख़त्म कर देता है कि किसी और को देना ना पड़े. हु सीक्स हिम मस्ट बी वर्स देन ब्लाइंड, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉर्मल लोग, कि हम जब स्नेल को या स्नेल को विथ शेल हम देखने के लिए या ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, हम एक ब्लाइंड के जैसे उसे खोजते ही रहेंगे लेकिन हमें वो दिखेगा नहीं. जैसे एक अंधे इंसान को कुछ दिखता नहीं है वैसे हम आँख होने के बावजूद भी उसको हम देख नहीं पाएंगे. ही हिज एंड हिज हाउस आर सो कम्बाइंड इफ फाइंडिंग इट ही फेल्स टू फाइंड इट्स मास्टर, वो और उसका घर जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कम्बाइंड यानी जुड़े हुए होना, इफ फाइंडिंग इट ही फेल्स टू फाइंड इट्स मास्टर. यहाँ पे जो राइटर है वो कहना चाह रहे हैं कि हम अगर उसे ढूंढना भी चाहें तो हम
एक ब्लाइंड जैसे उसे खोजते ही रहेंगे, हम उसे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो और उसका घर दोनों एक साथ एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जब वो पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसके मरने के बाद तक भी वो लोग एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। और इस तरीके से हमें राइटर ये समझा रहा है कि एक स्नेल जो है वो उसका जो जीवन है एक अकेले का जीवन है, शुरुआत से लेकर आखिर तक वो हमेशा अकेला ही रहता है। तो हमें उससे ये सीख लेनी चाहिए कि हम खुद किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, हम इंडिपेंडेंट बने, हम एक मास्टर जैसे हम सर्वाइव करें, ना कि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर रहें। तो इस तरीके से हमें वो एक सीख दे गया कि हम लोगों के बीच में रह के भी हम अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अकेले में अपने आप में एक पर्सनल, एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक मास्टर बन के हम जिए। तो वही सीख हमें ये स्नेल सिखा गया और पोएट हमको स्नेल के थ्रू ये सीख दे गया। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। तो बाकी का तो आपको मैं दे ही चुकी हूँ, ये दो स्टैंजा बाकी था जो कि मुझे एक लड़की ने बताया, तो मुझे पता चला मेरी बुक में तो ये दोनों स्टैंजा है भी नहीं। सो आई हैव क्लियर्ड ऑल, सो लेट्स फिनिश इट एंड यू ऑल डू वॉट एवर द होमवर्क आई हैव गिवन यू एंड देन यू विल शो मी। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, वन और टू स्टूडेंट्स हैव शोन मी द होमवर्क एंड अदर स्टूडेंट्स हैवंट, सो प्लीज़ डू दैट एंड देन शो मी। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।